अमरपुर रेफरल अस्पताल परिसर में जल्द ही मिनी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। उक्त बातें बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने अस्पताल निरीक्षण के दौरान संवाददाताओं से कही। गुरुवार के दिन पंचायती राज विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी ने अमरपुर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर अस्पताल में विधि व्यवस्था को लेकर मौजूद प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने अस्पताल में मौजूद ऑक्सीजन की अद्यतन जानकारी ली एवं महीने में खर्च हो रहे सिलेंडर के बारे में पूछताछ की, जिसमें प्रभारी ने कहा कि प्रति माह 40 सिलेंडर खर्च होते हैं। फिलवक्त अस्पताल में 18 सिलेंडर की व्यवस्था है। मौके पर मंत्री ने पॉजिटिव मरीजों के लिए स्पेशल वार्ड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पंचायती विभाग के द्वारा जल्द ही अस्पताल में मिनी ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण किया जाएगा। मौके पर महिला जदयू की जिला अध्यक्ष सुजाता वैद्य ने मंत्री को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया, जबकि अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अभय प्रकाश चौधरी एवं सीओ स्वाति कृष्णा ने बूके देकर मंत्री को सम्मानित किया। मौके पर बेलहर विधायक मनोज यादव, सीओ स्वाति कृष्णा, बीडीओ राकेश कुमार, अस्पताल प्रबंधक सुनील कुमार चौधरी, थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय, शंभुगंज के राजीव रंजन, समाज सेवी प्रदीप कुमार उर्फ पप्पू साह एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। हाँ नहीं, हमारे पास तो दिल्ली में था नहीं, इसलिए हम लोगों ने इसका जगह किया। हेलो, एकदम कोई अंदर हो उसको पूरा आप प्रेशर दीजिए, रखा हुआ क्या करेगा, कोई तरीका नहीं है ऐसे किसी को घुसने भी मत दी। मैं घुसने तो नहीं देता, अभी कैसे हम लोग को घुसा रहे थे सही बताइए आपका ना। बिल्डिंग तो टाइम पर लगेगा, तो बाकी सर बिल्डिंग तो एक दिन में नहीं हो सकता है ना। मतलब आप सब चीज़ है सर हथियारों का, एक जो है वो फैब्रिकेटेड का जो बनता है उसको एक प्लान कीजिए। जैसे यहाँ जगह नहीं है, जगह उपलब्ध हो सकता है अंजल के बैक साइड में, कृषि विभाग नहीं नहीं वो नहीं कर रहे हैं, अभी मिल सकता है। आपके यहाँ कोई ऐसा बिल्डिंग जो खाली, जैसे जो बिल्डिंग आश्रय स्थल बना था तो उस समय बना, तो उस समय तो कोई यूज नहीं हुआ होगा, आश्रय वाला तो यहाँ नहीं के बराबर आता इसमें। लेकिन कार्यपालक से एक NOC ले लीजिए और इसको NOC लेके एक फ्लोर कोविड के लिए माइंड सेट कीजिए। इसमें ऑक्सीजन पाइपलाइन समझ गया, 30 बेड को स्थापित करें, बेड का नहीं दिक्कत हो तो बेड दीजिए आपको डिपार्टमेंट से देंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या दिए हैं, क्या दिए हैं इसके लिए हम जब लोग दिए हैं सर, लिख के दिए हैं, क्या क्या दिए हैं बताइए ना, बोलिए बोलिए ना, बोलिए कुछ तो ना। हम लोग दिए हैं पाइपलाइन का, मतलब बेड, एक्स्ट्रा बेड के लिए जगह का व्यवस्था, यहाँ मिलेगी ऑक्सीजन प्लांट के लिए, यहाँ भी दिए बड़ा लार्ज स्केल है, बहुत बड़ा प्रखंड भी है। कितना पंचायत है, पंचायती राज विभाग पूरी तरह स्वास्थ्य विभाग के सहयोगी के तौर पर काम कर रहा है और यहाँ के प्रतिनिधि से लेकर तमाम लोगों से हम लोग का संपर्क जिस तरह था, उसी आधार पर हम लोग सभी हॉस्पिटल को देख रहे हैं कि क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। जैसे अमरपुर में ऑक्सीजन प्लांट, हमने मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने कहा है क्योंकि महीने में 40 से 50 सिलेंडर खर्चे होते हैं। ऐसे परिस्थिति में आगे के फेज को देखने के बाद कुछ बेड बढ़ाने के लिए हमने कहा है। यहाँ नगर विकास के माध्यम से
आश्रय स्थल बना हुआ था जिसमें नहीं के बराबर लोग रह रहे हैं, लेकिन उसको डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का हमने आग्रह किया है कि इसको बनाइए, इसकी पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, बेड की व्यवस्था करेंगे, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था करेंगे, और थर्ड फेज यदि आए, भगवान करे कि नहीं आए, आए तो हम पूरी तरह तैयार रहें। बांका विधायक सह पूर्व मंत्री रामनारायण मंडल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बाराहाट स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक रसोई का जायजा लिया। इस दौरान विधायक ने अपने कोष से बांका और बाराहाट अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने के लिए 80 लाख रुपए दिए। बिहार में लॉकडाउन की वजह से कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। बांका जिला में भी कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगना शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमण के मामले घटने के साथ ही जनप्रतिनिधियों का दौरा भी शुरू होने लगा है। इसी कड़ी में बांका विधायक सह पूर्व मंत्री रामनारायण मंडल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बाराहाट स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक रसोई का जायजा लिया। इस दौरान सदर SDM मनोज कुमार चौधरी, SDPO दिनेश चंद्र श्रीवास्तव सहित स्थानीय अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान विधायक ने बाराहाट स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से हॉस्पिटल की सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही विधायक रामनारायण मंडल ने अपने विधायक निधि से बांका और बाराहाट में स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर 80 लाख रुपए दिए। विधायक ने स्वास्थ्य केंद्र के पास बन रही 30 बेड के निर्माण भवन का जायजा भी लिया और संवेदक को जल्द ही पूरा करने का निर्देश दिया। नए भवन के निर्माण हो जाने के बाद बाराहाट अस्पताल में लोगों को कई अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। वहीं जल्द ही विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि अस्पताल में आने जाने वाले मरीजों को कोई परेशानी ना हो। विधायक ने बताया कि अस्पताल की ओर से जो भी मांगा जा रहा है उसे पूरा करने का काम किया जा रहा है। आज भी चिकित्सक से उपकरण को लेकर बात हुई है, उसे भी पूरा करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार लोगों से लगातार अपील कर रही है कि मास्क पहने और 2 गज की दूरी का पालन करें, बिना किसी आवश्यक काम के घरों से ना निकले और अपने निकटवर्ती वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन जरूर लगवाएं। अपील किया है राज्य सरकार ने, अपील किया है भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी बार बार हाथ जोड़कर लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाना, 2 मीटर या गज की दूरी का पालन करना, भीड़ नहीं लगाना, भीड़ में नहीं जाना, बहुत ज़रूरत नहीं हो तो निकल, घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब इसका पालन करेंगे, निश्चित रूप से हम कोरोना को इस बिहार से, इस देश से निकाल बाहर करेंगे। फर्जी चिकित्सकों की दलालों के भरोसे ही अवैध क्लिनिक चलती है, जिसका खामियाजा भी मरीजों को उठाना पड़ता है। ऐसा है एक मामले में, प्रसूता का ऑपरेशन कर बच्ची का जन्म हो गया, लेकिन कुछ देर बाद ही प्रसूता क्लिनिक से स्वास्थ्यकर्मियों के साथ गायब हो गई, जिसकी शिकायत लेकर परिजन बांका थाने पहुंचे। घटना बांका शहर के विजयनगर चौक के पास की है। कोई SK सिन्हा के क्लिनिक की बात परिजन बता रहे हैं, लेकिन वैसे किसी क्लिनिक की मौजूदगी की जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि महिला कृष्णा देवी प्रसूता है, जो अपनी सास और अन्य परिजन के साथ सदर अस्पताल पहुंची थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, लेकिन वहां नहीं होने की स्थिति में किसी महिला आशा के चक्कर में पड़कर किसी अज्ञात नर्सिंग होम चली आई। कुछ घंटे बाद यानी सुबह 8 बजे ऑपरेशन के बाद बच्ची का जन्म हुआ और कुछ देर बाद चिकित्सक और अन्य कर्मी महिला मरीज को वाहन से लेकर कहीं फरार हो गए। मरीज की मां उमा देवी की माने तो आशा कार्यकर्ता और चिकित्सक 40,000 रुपये लेकर ऑपरेशन करने के बाद से बेटी को लेकर फरार हो गए हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति गंभीर होने या मौत होने की बात छुपाने को लेकर कहीं दूसरी जगह इलाज करने के लिए चले गए हो। परिजन बांका थाना पहुंचकर महिला मरीज की बरामदगी की गुहार लगा रही है। वहीं पुलिस अपने स्तर से मामले की जाँच कर रही है, वो अब तक प्रेस से कुछ भी बताने से बच रही है। वहीं ससुर रंजीत पासवान भी नर्सिंग होम के कर्मियों द्वारा पुतहू को लेकर भागने का आरोप लगा रहे हैं। हमारा साथ बेटी के लिए हॉस्पिटल अच्छा अल्ट्रासाउंड होते नहीं करा लेबे अच्छा लीजिए अल्ट्रासाउंड ना हो देखी लेके कागज पत्र कोरोना जांच करी लेके एक तो मिल जाए आशा उन्हें प्राइवेट में अल्ट्रासाउंड करा ले आशा की नाम से आशा नाम भूली गलिए हॉस्पिटल आशा चली अच्छा हॉस्पिटल साज के महीन जा लगी टाइम जे सार घर मांग के जले में कराए कानी का डॉक्टर वहां भर्ती कर दिल के बाबू
लड़की जन्म लेलकै 8 बजे 9 बजे लड़की जन्म लेलकै प्रसन्न उ नसी कालकै देरी से ओकरा बच्चा के दर्द गोदी में देरी से काल का बेटी लग चलो गेलो हो बाबू कहाँ बेटी लग चलो कन्ना गेले हमरा भी जाग दे कितना पैसा ले लको ऑपरेशन वाला कितना 40,000 बाबू 40,000 पेमेंट करी दिला हां बाबू डॉक्टर का की नाम छ का डॉक्टर का नाम कहते उनिया से हमरा माटी ना जा बाबू डॉक्टर बालक होने वाला है अच्छा तो बालक परेशान से हो गया उसको बाद हमको पुतहु गायब हो गया कहाँ गायब हो गया कहाँ एडमिट कराए थे यही बकाम बकाम कहाँ हॉस्पिटल में अच्छा उसके बाद क्या हुआ उसको बाद मतलब हमको पुतहु गायब हो गया कहीं पते नहीं अभी तक वापस नहीं आया है कौन गायब कर दिया डॉक्टर डॉक्टर सब मिलकर जी अब बच्चा कहाँ बच्चा साथ में आए क्या अमरपुर थाना क्षेत्र के कुल्हड़िया गांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के 4 युवक जख्मी हो गए। जख्मी सुल्तानगंज गांव के मोहम्मद अरबाज, मोहम्मद कोनेन एवं कुल्हड़िया गांव के छोटू चौधरी एवं छब्बू चौधरी का प्राथमिक उपचार रेफर अस्पताल में किया गया। घटना के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय, अवर निरीक्षक राजीव रंजन, सहायक अवर निरीक्षक खुर्शीद आलम, सहायक अवर निरीक्षक महेंद्र चौधरी पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। सुल्तानपुर पंचायत के पूर्व मुखिया मोहम्मद हसनैन, बैजूडी पंचायत के सरपंच डोमन हरिजन एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने थानाध्यक्ष के समक्ष दोनों पक्षों के बीच समझौता कराते हुए भविष्य में शांति व्यवस्था बहाल रखने का आश्वासन दिया। मोड़ आ रहे थे चौधरी टोला उनके टीम के बारे में पूछा गया कि भाई कहाँ है। अब उनको लगा कि हमको गलत ढंग से पूछ रहा है, सब भाषा में नहीं पूछा, तो दोनों उलझ गए कि अब ठीक से बोलो। इसी में दोनों माता बाती में मारपीट हो गया। अभी मामला शांत हो गया? हाँ, अभी बिल्कुल शांत है। दोनों गांव से 5-5 आदमी का लिया गया कि अपने अपने बच्चों को संभाले, और भविष्य में कोई ऐसी घटना होगी वो दोनों गांव के 5-5 आदमी अपने बच्चों को संभालेंगे। मामला था कि कुछ लोग क्रिकेट खेलने आए थे और यहाँ एक पासी टोला है, पहुँच गया पूछा कि फलवा पसी का आकर कौन घर, वही बोला कि भाई जैसा शुद्ध से बोलो। उसमें बात बढ़ गई और मारपीट की नौबत हो गई। बात बढ़ने के दरमियान में वहाँ के सरपंच, मुखिया और हम भी यहाँ बैजूदी पंचायत के सरपंच रहे, और साथ में बहुत सारे ग्रामीण मेंबर आए, और यहीं दोनों का पूछताछ करके उसको समझौता कर दिया गया। बाद विवाद नहीं रहा, पार्टी भी लड़ने के लिए तैयार नहीं है, एकत्र नहीं रहेंगे, और इसी समझौता के साथ यहाँ वो विवाद को समाप्त कर दिया। अमरपुर में फिर से सड़क लूटेरों का तांडव शुरू हो चुका है। ताजा घटना थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर तारड़ी गांव के समीप घटित हुई, जहां बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े CSP संचालक से 2 लाख रुपए नगद एवं एक मोबाइल लूटकर फरार हो गए। मामले को लेकर पीड़ित CSP संचालक अमन कुमार उर्फ पांडव ने बताया कि डुमरावा गांव स्थित यूको बैंक से 2 लाख रुपए की निकासी कर बाइक से अपने गाँव तारड़ी जा रहा था, तभी लक्ष्मीपुर गांव के समीप काली पल्सर पर सवार 2 अपराधियों ने मेरी बाइक में पीछे से धक्का मार दिया। धक्का मारने के कारण मेरी बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थिति को भांपते हुए मैं रुपये से भरा बैग कंधे पर टांगकर खेतों की ओर दौड़ गया। दोनों अपराधी भी मेरे पीछे दौड़ गए और मुझे झपटकर मेरी कनपट्टी पर पिस्टल सटाते हुए रुपयों से भरा बैग और एक मोबाइल छीनकर डुमरामा की ओर फरार हो गए। पीड़ित CSP संचालक ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन पर अनुशंसा किया जा रहा है, जल्द ही लूट में शामिल अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। मौके पर उन्होंने अमरपुर प्रखंड के CSP संचालकों से अपील करते हुए कहा कि बैंक से मोटी रकम निकालने से पूर्व थाने में सूचना दे, ताकि ससमय सुरक्षित पुलिस अभिरक्षा में संचालकों को उसके केंद्र तक पहुंचाया जा सके।